वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलन। दोस्तों जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में रखा बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दो, क्योंकि मेरा नया नया वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों जल्दी मेरा वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं लेके आया हूँ एक घटिया सा होम थिएटर है, जो कि इसका ये वाला होम थिएटर सब घर घर जाके कोई बंदा लोग दे रहा है, तो बहुत ख़राब क्वालिटी का है। तो इसका ये ख़राब हो गया, इसका देखिए, तो ये देखिए इसमें प्रॉब्लम है। जो रेगुलेटर है 7805 उसमें दोनों तरफ भी वोल्टेज आ रहा है। तो ट्रांसफार्मर से देखिए 18 वोल्ट निकल रहा है, 17-18 वोल्ट, तो दोनों तरफ भी। तो इसको हम खोल लेंगे, तो उसके बाद खोलने के बाद इसको चेक करेंगे। देखिए यूएसबी का तार मैंने खोल लिया, उसके बाद भी देखिए हो रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसको जल्दी से खोल लेंगे। और जो बात बोल रहा था मैं, घर घर जाके 1200-1500 रुपया लेके ये वाला होम थिएटर दे रहा है, तो ये बहुत घटिया क्वालिटी के है दोस्तों, ये खरीदे मत। घर घर जाके दे रहा है, इसमें सोनी लिखा हुआ है। बहुत बंदा को तो पता ही नहीं चलता है क्या कौन सा होम थिएटर है, वो सोनी लिखा देख के ख़रीद लेता है। तो बहुत घटिया क्वालिटी का है, बार बार ख़राब हो जाएगा। इसमें हीट सिंक भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत घटिया सा है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में चले आते हैं। तो ये देखिए रेगुलेटर जो है 7805 उसको मैंने चेंज कर दिया। अभी इसको सोल्डर कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ग्राउंड के साथ शॉर्ट होने से ऐसी ख़राब हो सकते हैं, तो इसीलिए सावधानी से सोल्डर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लेग थोड़ा नज़दीक है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैंने लगा दिया। अभी देखिए इधर 18-19 वोल्ट है और इधर 5 वोल्ट है, तो ओके, हमारा पीछे वाला काम जो है अभी तक तो होगा। तो मैं ढक्कन को लगा दूंगा, तो उससे पहले मैं यूएसबी का लाइन जो है 5 वोल्ट का वो सोल्डर कर देता हूँ। चलिए सोल्डर कर दिया, अभी पीछे वाला ढक्कन को लगा दूंगा, अभी जो काम है सामने वाला काम होगा। तो कस्टमर का जो कहना है ये होम थिएटर का शॉर्ट सर्किट हो गया, कैसे हुआ, इसका जो मेन बोर्ड है तो उसके अंदर कोई स्क्रू ड्राइवर से उसको ऊपर हिलाया, ठीक है, लगा के इसीलिए शॉर्ट हो गया, ऐसा न बताया, ठीक है। देखिए 5 वोल्ट आ गया, 4.99, तो 5 वोल्ट आ गया। यूएसबी बोर्ड में लाइन आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए, नहीं आ रहा है। और इधर एक एलईडी लाइट लगा हुआ था दोनों कलर का, चेंजिंग एलईडी, वो भी जल नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आने से ये लाइट ख़राब हो गया। तो हमको लगता है इसका यूएसबी सर्किट भी ख़राब हो गया, तो मैं जल्दी से जल्दी ये लाइट को चेंज कर देता हूँ, नया लाइट लगा देता हूँ। तो उसके बाद देखेंगे यूएसबी सर्किट में लाइन देखे, क्योंकि लाइट बहुत टाइम लाइट ख़राब होने से सर्किट में वोल्टेज नहीं आता है, सर्किट ऑन नहीं होता है। फिर भी मैं देख लूँगा, हमको लगता है सर्किट ही ख़राब है। तो एलईडी लगा दिया मैंने, देखिए जल रहा है, कितना अच्छा जल रहा है एलईडी दोनों कलर का। तो देखिए अभी भी सर्किट में लाइन नहीं आया, तो मतलब इसका सर्किट जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको वोल्टेज नाप लेते हैं, आज देखिए वोल्टेज तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 वोल्ट ही है, वो 4.98 लगभग 5 वोल्ट ही है, 2-1 वोल्ट उल्टा सीधा दिखा सकता है, कोई बात नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा एक बोर्ड से टेस्ट कर लेंगे,
बोट मेरे पास नहीं है, कस्टमर को लाने बोला है मैंने, तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद वो सर्किट लगा के देखेंगे, फिर पता चलेगा क्या करना है आगे। तो इसमें वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ ठीक से, इसका जो सर्किट में आता है कि नहीं, या नहीं वोल्टेज ठीक आ रहा है, कोई बात नहीं, 100% में जो है बोर्ड ही ख़राब है, बोर्ड जल गया, मतलब बोर्ड तो जितना वोल्ट में चलता है देखिए 4.98 वोल्ट 5 वोल्ट तक चल जाता है, ठीक है, उससे कम कम में चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम में चलता है, लेकिन 17 वोल्ट आ गया। देखिए कस्टमर ने लेके आया बोर्ड, ये बोर्ड अच्छा नहीं है, ये भी घटिया क्वालिटी का है लेके आया, एक ही ब्लूटूथ वाला है, एक ही ब्लूटूथ आईसी लगा हुआ है छोटा सा, तो इसमें कोई फिल्टर का उतना अच्छा दिख नहीं रहा है हमको, तो इसमें भी शायद प्रॉब्लम होगा, नहीं तो बाहर से हमको फिल्टर करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें साउंड आ रहा है, उसके बाद देखते देखिए बंद हो गया, तो इसमें फिल्टर की वजह से हो सकता है, फिर भी मैं इसको कस्टमर को बोलूँगा चेंज करने के लिए। देखिए आ तो रहा है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी बंद हो जा रहा है, तो इसका सर्किट का प्रॉब्लम है, तो इसको हम दूसरा सर्किट लगा के, मेरा पास एक है इसको लगा के चेक कर लेते हैं बंद होता है कि नहीं होता है, उसके बाद नया सर्किट फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए लाइन तो आ गया, देखते बंद होता है कि नहीं होता है, नहीं ये बंद नहीं हो रहा है, तो ये वाला ठीक है, चलिए दूसरा सर्किट लगा के देखते हैं, ये वाला और एक सर्किट लाया है कस्टमर ने, इसको लगा के देखेंगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है फिल्टर का, क्योंकि वो पहले वाला जो लाया था वैसे ही सेम एक ही आईसी लगा हुआ है, इसमें फिल्टर का कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा एक छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है 10 वोल्ट का, ठीक है, 220 माइक्रोफैरड का, तो इसमें देखिए इसमें तो चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा साउंड आ रहा है जैसे जनरेटर चल रहा है ऐसा, तो इसमें लगता है हमको फिल्टर का प्रॉब्लम है, तो मैं एक कैपेसिटर इसमें लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा 10 वोल्ट और 330 का लगा दूंगा, ठीक है, 330 10 वोल्ट का जो 5 वोल्ट आता है उसमें लगा दूंगा, तो अच्छी तरह से फिल्टर हो जाएगा, जो भी एसी सर्किट आ रहा है तो उसमें फिल्टर होने से सर्किट का थोड़ा अच्छा चलेगा, आईसी ये कि छोटा सा आईसी दिया हुआ है, हो सकता है इसमें फिल्टर का ही प्रॉब्लम है, तो हम लगा देता हूँ ये वाला कैपेसिटर, उसके बाद देखेंगे, अगर ये चलता नहीं है तो इसमें बढ़िया क्वालिटी का सर्किट लगाना पड़ेगा, ठीक है, पहले भी ऐसा ही सर्किट था लेकिन वो एक कंपनी से सेट होके आया था, तो चलिए लगा दिया, अब इसको ऑन करके देखेंगे क्या चलता है कि नहीं चलता है, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए आ तो गया है, हाँ आ गया, अब इसका जो साउंड है थोड़ा अच्छा सुनाई दे रहा है, जनरेटर के तरह साउंड भी नहीं हो रहा है, इसको लगा के देखेंगे, अभी चल भी रहा है, पहले वाला सर्किट तो बंद हो रहा था, ठीक है, ये बंद नहीं हो रहा है, देखिए ये चल रहा है, बिंदास चल रहा है। तो दोस्तों ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके थैंक यू।